कळमना पोलीस ठाण्यांतर्गत राहणारी मोहम्मद इरशाद वल्द मोहम्मद निशार यांनी आपली गाडी हँडल लॉक करून रस्त्याच्या कडेला ठेवली होती, परंतु एका अज्ञात चोरट्याने त्यांची गाडी हँडल लॉक तोडून पळवून नेली. 24 एप्रिल रोजी पोलिसांना पेट्रोलिंग करत असताना एक इसम एका स्प्लेंडर दुचाकीवर बसून असलेला दिसला. पोलिसांना त्याच्यावर संशय आला असता त्याच्याजवळ जात असताना त्यांनी तिथून पळ काढला. पोलिसांनी पाठलाग करून आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. आरोपीकडून 4 दुचाक्या असा 1,50,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून 4 गुन्हे उघडकीस आणण्यात आले आहेत. तसेच आरोपीचे सहकारी चोरट्यांचा शोध पोलीस घेत आहेत. हमारे पोलीस स्टेशन में IPC 379 के तहत क्राइम नंबर 280/2024 दाखल था. तो इसका हमारा जो तपास है, हमारे DCP श्री निकेतन कदम सर इनके मार्गदर्शन में, हमारे PI श्री गोकुल महाजन सर इनके मार्गदर्शन में, श्री रामलोट सर इन्होंने किया है. इसमें एक आरोपी उस्मान खान वल्द अकबर खान, इसका गुप्त माहिती के आधार से उन्होंने अटक की है इनको, और इनके तरफ से करीबन 5 मोटरसाइकिल हस्तगत की है. उसमें एक मोटरसाइकिल हुरकेश्वर और एक मोटरसाइकिल मौदा की भी हस्तगत की है. और 2 जो मोटरसाइकिल हैं वो कौन से पुलिस थाने की है और कहाँ पे उनपे क्राइम दाखिल है उसकी तहकीकात शुरू है. जो ये उस्मान खान वल्द अकबर खान आरोपी है, ये 2 पुलिस स्टेशन में, एक मानकापुर और गिट्टी खदान, ये 2 पुलिस स्टेशन में 392 का भी एक वांटेड आरोपी था. तो इसे अरेस्ट करके हमारे जो पुलिस थाना के श्री रामलोट साहब है और गोकुल महाजन साहब है, इन्होंने अच्छी कामयाबी हासिल की. वैसे हमारे यहाँ पे और एक गुना दाखिल था 379 IPC, तो उसमें भी एक मोनो उर्फ राइडर उर्फ प्रशील संजय जाधव, ये आरोपी को भी हमारी DB टीम ने अरेस्ट किया है. और इसके उसके ताबे में जो एक मोटरसाइकिल थी वो भी हस्तगत की है. ऐसा कुल मिला के करीबन 2,20,000 का माल हमने जब्त किया है.